If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल T24 Time में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को Jio GigaFiber के कुछ प्लान्स और उसका स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को एकदम लाइव से स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि जियो के GigaFiber ब्रॉडबैंड में कितनी स्पीड मिलती है और साथ में इसके जो प्लान्स होंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, जो जियो के जो प्लान आते हैं वो दो प्लान हैं, एक है 2500 रुपये वाला और एक है 4500 रुपये वाला। तो ये प्लान आपको साथ में लेना पड़ेगा। जब आप कनेक्शन करवाते हैं तब आपको इसके 2500 रुपये या फिर 4500 रुपये देने पड़ते हैं। तो इन दोनों प्लान में क्या फ़र्क है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ। इन दोनों प्लान में स्पीड जो है 2500 वाले प्लान में आपको 50 Mbps की स्पीड मिलेगी और 4500 रुपये वाले में आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि आपका जो मॉडम है वो बस अलग अलग होगा। एक मॉडम सिंगल बैंड का होगा और 4500 वाला मॉडम डुअल बैंड का होगा। तो जो डुअल बैंड वाला मॉडम है उसमें आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी और जो 2500 रुपये वाला मॉडम है उस पर आपको 50 Mbps की स्पीड मिलेगी। और इसमें जो डाटा आपको मिलेगा वो 3 महीने के लिए 100 GB मिलेगा, मतलब कि 300 GB मिलेगा। हर महीने आपको 100 GB डाटा मिलेगा। उसके साथ आपको 40 GB वाले कूपन दिए जाएंगे। यदि आपका किसी महीने 100 GB डाटा ख़त्म हो जाता है तो आप उस 40 GB वाले बाउचर से उस डाटा को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हर महीने टोटल 1100 GB डाटा दिया जाएगा, 1100 GB डाटा। तो 100 GB जब डाटा आपका ख़त्म हो जाए तब आप उस 40 GB वाले कूपन को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं इसका स्पीड टेस्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मेरा सिस्टम है और मैंने अपने सिस्टम पे जो है आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने अपने सिस्टम पे कनेक्ट करके रखा है तो वो जियो का जो फाइबर है उसी से मैंने यहाँ पे देखिए कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका स्पीड टेस्ट करवाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं ओकला वाली वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को एक बार स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं स्पीड आप लोगों को यहाँ पे चेक करवाऊँगा वो वाईफाई के थ्रू कर के दिखाऊँगा। मैंने अपने सिस्टम को वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे गूगल टाइप करके यहाँ पे स्पीड टेस्ट टाइप कर लेते हैं और यहाँ पे ओकला वाली वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर साइड ओकला वाली वेबसाइट आ गई। अब यहाँ पे इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा इस वेबसाइट का और यहाँ पे देखिए जियो लिख के भी आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और इसके बाद इस गो पे क्लिक कर देते हैं। अभी यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा है तो यहाँ पे गो पे अब हम क्लिक करते हैं और उसके बाद ये हमको हमारी स्पीड दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो कितनी दिखा रही है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो डाउनलोडिंग स्पीड थी वो 43 Mbps दिखाया और अब ये अपलोडिंग स्पीड देखिए क्या दिखा रहा है। तो वाकई में इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कमाल की मिल रही है वाईफाई से। यदि हम वाईफाई से कनेक्ट करके डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और उस पर इंटरनेट यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छी स्पीड हमको मिलेगी। तो ये तो था वाईफाई के थ्रू। अब मैं आपको लैन केबल से भी चेक कराऊंगा। तो ये मैंने पहले ही लैन केबल को कनेक्ट कर लिया है अपने मॉडम से और इस केबल को मैं कनेक्ट करूंगा अपने सिस्टम पे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 43 और अपलोडिंग स्पीड है वो 48 Mbps की आई है। अब इस पेज को कट करते हैं और जो हमारा वाईफाई था इसको ऑफ कर देते हैं, इसको भी डिसकनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको डिसकनेक्ट कर दिया है और अब इसका मॉडम जो है लैन वाली केबल को अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये लैन केबल कनेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे ये लैन केबल है। अब इसके बाद फिर से दोबारा से गूगल क्रोम पे चलते हैं और google.com को ओपन करके फिर से स्पीड टेस्ट टाइप करते हैं यहाँ पे
अब लैन केबल से चेक करते हैं किसमें स्पीड कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे ये देखिए ओपन हो गया है इस ओकला वाला वेबसाइट। अब इसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए जियो लिख के आ रहा है और यहाँ पे जो इसका आईपी एड्रेस है वो भी आ रहा है। अब इसके बाद गो पे क्लिक करते हैं और अब देखते हैं स्पीड क्या मिल रही है। तो ये देखिए हमने इसको लैन केबल से कनेक्टेड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरी स्पीड है वो यहाँ पे देखिए कितनी ऊपर जा रही है। तो ये तो देखिए डाउनलोडिंग स्पीड थी, अभी अपलोडिंग स्पीड चेक कर रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हम डायरेक्ट केबल से यूज करते हैं इंटरनेट अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे कितनी स्पीड मिलती है हमको, काफ़ी ज़्यादा स्पीड यहाँ पे मिल रही है। देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड जो है 94 Mbps मिल रही है और यहाँ पे जो अपलोडिंग स्पीड है वो 91 Mbps मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड है अभी तक। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, तो आगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोग इस पे मैं क्या कुछ डाउनलोड करके आपको दिखाऊं, या फिर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो कैसी मिल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।